सुप्रभातम् सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेषां स्वागतम् मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानम् दरभंगा अद्य अहम् भवताम् समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृतम् द्वितीयोऽध्यायः प्रकरणम् स्वच्छताम् प्रति एकम् पदम् इति विषयम् स्वीकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, इससे पहले मैंने द्वितीय पाठ में तेषां ज्वलेन ज्वलनेन विषाक्तः वायु सर्वत्र प्रसरति अयम् वायु अस्माकं स्वास्थ्यस्य उपरि दुष्प्रभावः जनयति यहां तक पढ़ा दिए थे। अब इससे आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो तेषां ज्वलनेन विषाक्तः वायु सर्वत्र प्रसरति, इसका मतलब होता है जो उसको जलाने से जहरीली यानी विष युक्त वायु सब जगह फैलता है। अयम वायु अस्माकं स्वास्थ्यस्य उपरि दुष्प्रभावः जनयति, यह वायु हमारे स्वास्थ्य के ऊपर दुष्प्रभाव पहुंचाते हैं। अब है जो अनेन वयम् अनेकानां रोगानां प्रकोपं स्वीकुर्मः। अनेन मतलब होता है इससे, वयम मतलब होता है हम लोग, अनेका नाम मतलब होता है अनेकों का, रोगा नाम मतलब होता है रोगों का, प्रकोप मतलब होता है प्रकोप जो उससे प्रभावित हो, स्वीकर्मा मतलब होता है स्वीकार करता। जो अनेन वयम अनेकानाम रोगानाम प्रकोपम स्वीकुर्मा, इससे जो दुष्प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर जो दुष्प्रभाव पहुंचाते हैं, इससे हम लोग अनेकों रोगों का प्रकोप स्वीकार करते। इदम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। इदम् मतलब होता है यह, अस्माकं मतलब होता है हमारा, कर्तव्यम् मतलब होता है करना चाहिए। तो इदम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति, यह हमारा कर्तव्य है। यत ईदृशानि कार्याणि कदापि न कुर्याम। यत मतलब होता है कि, और इत्र ईदृशानि मतलब होता है ऐसा चाहे ऐसी, कार्याणि मतलब होता है कार्यों को, कदापि मतलब होता है कभी भी, और नौप मतलब होता है नहीं, और कुर्यामा मतलब होता है करना चाहिए। जो क्री धातु से क्री करने धातु से विधिलिंग में उत्तम पुरुष का बहुवचन धातु में प्रयुक्त हुआ है यहां। तो यत ईदृशानि कार्याणि कदापि न कुर्याम,
जो यह जो हमारा कर्तव्य है कि ऐसा कार्यों को कभी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर किसी चीज की दुष्प्रभाव पड़े। वयम अस्माकं गृहं कक्षा परिसरं मार्गं च स्वच्छं कार्यं स्वच्छं कुर्याम। वयम मतलब होता है हम लोग, अस्माकं मतलब होता है हमारे, गृहं मतलब होता है घर, कक्षा मतलब होता है वर्ग, परिसरम मतलब होता है परिसरम मतलब होता है प्रांगण, और मार्गम मतलब होता है सड़क, चौ मतलब होता है और स्वच्छम मतलब होता है साफ, और कुर्यामा मतलब होता है करना चाहिए। तो हम लोग अपने घर कक्षा के प्रांगण को और सड़क पर और स्वच्छ सड़क को साफ करना चाहिए। हम लोगों को अपने घर कक्षा के प्रांगण और सड़क को साफ करना चाहिए। वयम स्वच्छम एव जलम पीवेम, और हम लोगों को स्वच्छ एवं साफ ही पानी पीना चाहिए। शुद्धम भोजनम च खादेम, और शुद्ध भोजन खाना चाहिए चाहे करना चाहिए। हरितानि शाकानि प्रकामम मात्रायाम खादेम, हरी सब्जियों को इच्छा मात्र में खाना चाहिए। अधुना अस्मिन् अभियाने विद्यालयस्य बालिका च सक्रियां भूमिका निर्वहन्ति। अधुना मतलब होता है अभी, अस्मिन् मतलब होता है इसमें, अभियाने मतलब होता है अभियान में, विद्यालयस्य मतलब होता है विद्यालय का, बालका मतलब होता है बालकों ने, और बालिका मतलब होता है बालिकाओं ने, च मतलब होता है और सक्रियां मतलब होता है अपने क्रिया, भूमिका मतलब होता है भूमिका, निर्वहन्ति मतलब होता है निर्वाह करते हैं। तो अधुना अस्मिन् अभियाने विद्यालयस्य बालकाः बालिका च सक्रियां भूमिका निर्वहन्ति। जो अभी इस अभियान में विद्यालय का बालक और बालिके सक्रिया रूप से अपनी अपनी भूमिका को निर्वाहन करते हैं, ते स्वविद्यालयेषु स्वच्छताम् अनेकानि कार्यक्रमाणां चालयन्ति। वे लोग अपने विद्यालयों में स्वच्छता को अनेकों कार्यक्रमों को चलाते हैं।
ते स्वयमेव विद्यालय परिसरम स्वच्छम कुर्वन्ति। और वे लोग अपने ही विद्यालय परिसर को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। ते विद्यालयस्य समीपे वासिनं स्वच्छतां प्रति जागरूकतां अपि कथयन्ति। और वे लोग विद्यालय के समीप पास में जो वासिनम मतलब होते हैं जो अगल बगल बसे हुए लोग स्वच्छता की ओर जागरूक भी करते हैं। अधुना मम दृढ़ विश्वास अस्ति, अभी मेरा दृढ़ विश्वास है यत सर्वे नागरिका स्वच्छतां प्रति जागरूका सन्ति, कि सभी नागरिक स्वच्छता की ओर जागरूक हैं। यदि वयं मिलित्वा अस्य अभियानस्य सफलतायै प्रयासं करिष्यामः। यदि मतलब होता है यदि, और वयं मतलब होता है हम लोग, मिलित्वा मतलब होता है मिलकर, और अस्य मतलब होता है इसका, अभियानस्य मतलब होता है अभियान का, सफलतायै मतलब होता है सफलता के लिए, प्रयासम मतलब होता है प्रयास, करिष्यामः मतलब होता है करेंगे। तो अधुना मम दृढ़ विश्वास अस्ति जो यत सर्वे नागरिका स्वच्छतां प्रति जागरूका सन्ति, यदि वयं मिलित्वा अस्य अभियानस्य सफलतायै प्रयासं करिष्यामः तर्हि तत्दीनं पूरे नास्ति। अभी मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी नागरिक स्वच्छता की ओर जागरूक हैं, और यदि हम लोग मिलकर इस अभियान का सफलता के लिए प्रयास करेंगे तर्हि तत्दीनं पूरे दूरे नास्ति, तो वह दिन दूर नहीं है जो यत अस्माकं देशः पूर्ण रूपेण स्वच्छः भविष्यति, कि हमारे देश पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा। वयं सर्वे मिलित्वा महात्मनः गांधिनः स्वप्नं साकारं कुर्यामः। हम लोग सभी मिलकर महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करना चाहिए। हम लोग सभी मिलकर महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करना चाहिए। छात्रों, आज द्वितीय पाठ के अंतर्गत पाठ की समापन है। नेक्स्ट क्लास में इससे हम आगे जो इस पाठ में विधिलिंग का विशेष पाठ के अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज मैं यही समापन करता हूं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।